नैनीताल हाई कोर्ट में तैनात वकील की पत्नी की रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक पद्मिनी अरोड़ा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और वकील पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों का आरोप था कि पद्मिनी मनीष अरोड़ा की दूसरी पत्नी थी, जिस पर मनीष अरोड़ा एडवोकेट लगातार दहेज का दबाव बना रहा था। इसीलिए दहेज की मांग पूरी न होने पर मनीष अरोड़ा ने पत्नी को मार डाला। हमें नहीं पता था ये इतने बड़े हो जाएंगे कि जो है मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे। पता नहीं कब, वो मरने वालों में से नहीं थी, बस मैं इतना जानती हूँ। मेरी बहन बहुत बहादुर थी, बहुत बहादुर। उसे मारा गया, क्यों मारा, किससे मारा, किस वजह से मारा, ये मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ा था, 10 लाख रुपए लिए थे इससे। उसने इसकी रिपोर्ट भी करी थी और वो इसकी पहली बीवी ने, और वो चली गई थी और इसने अपने बच्चे भी यहीं छोड़ गई थी। तभी भी ये भागा भागा फिर रहा था। मुझे नहीं पता, मेरे को जितना पता मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में ये जानती हूँ कि मेरी बहन मरने वालों में से नहीं है। वो बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करती है, बहुत ज़्यादा। पूरी कॉलोनी में हमारे आके पूछ लो, पूरे रिश्तेदारों में अगर कोई मर रहा होगा ना, तो वो उसको उठाती है कि नहीं तुझे जिंदा रहना है तो ठीक। मामला गंभीर मानते हुए गंग नहर कोतवाली पुलिस ने डॉक्टरों के एक पैनल और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज एक पद्मिनी अरोड़ा नाम की महिला का शव यहां आया था। उसके पति मनीष अरोड़ा वकील हैं, जो नैनीताल में रहते हैं, वकालत करते हैं। वहां से वो शव यहां आया था। उसके बहन, पद्मिनी की बहन रजनी नवानी यहां आई थी। उसने आरोप लगाया है कि मेरी बहन की जो है दहेज कारण हत्या कर दी गई है। उसका पंचनामा भर दिया गया है और डॉक्टर के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, वीडियोग्राफी कराई गई है। जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाए। देवभूमि न्यूज़ के लिए रुड़की से दिलशाद खान।